जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एलेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक ऐसा पेन स्टॉक है जो बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। और यकीनन आपको पता है कि जब ये कंपनी पिछले साल 2022 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, तो उसके बाद से ये कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न बनाकर अपने निवेशकों को दिया था। साथ में कंपनी ने स्प्लिट और बोनस एक साथ दिया था। यदि आप इसको शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। लेकिन क्या हुआ, स्प्लिट और बोनस देने के बाद आपको पता है कंपनी का शेयर प्राइस ऑटोमेटिक जिस रेशियो में वो स्प्लिट और बोनस देती है प्राइस कम हो जाता है, तो प्राइस कम हो गया। और प्राइस कम होने के साथ साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग जब शुरू हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या होता है, स्टॉक में गिरावट आता है। तो स्टॉक में गिरावट आना भी शुरू हुआ, स्टॉक थोड़ा सा गिरा, लेकिन अब फिर से स्टॉक में तेजी बनती हुई शुरू हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक दिन में तकरीबन 5-5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ एक दिन की तेजी की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से इस कंपनी का फंडामेंटल ग्रो कर रहा है, मैं आपको आगे बताऊँगा, उस हिसाब से इसमें एक अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ये स्टॉक, इस तरह के स्टॉक आपको मिस ना हो जाए, आप इस स्टॉक को बाय करने से पीछे ना रह जाएं, इसलिए मैं इस कंपनी को फॉलो करता हूं और इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो जैसे इसकी बात करें तो अभी देखेंगे, इसने तकरीबन 0.67 पैसे के आसपास अपना क्लोजिंग दिया है एक दिन में इतने परसेंट की तेजी के साथ। लेकिन वहीं पर पिछले एक सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में 5 दिन ट्रेडिंग होता है, तो पिछले 5 दिन में देखेंगे तकरीबन 7% के आसपास स्टॉक टूटा है। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन आपको 25% के आसपास टूटते हुए नजर आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी तक इस स्टॉक के बुरे दिन चल रहे थे, और बुरे दिन में क्या होता है कि प्राइस नीचे की तरफ ही आता है। यदि लंबी अवधि की बात करें, 6 मंथ से देखेंगे तो स्टॉक गिर रहा था, और 6 मंथ में स्टॉक तकरीबन 97% के आसपास से टूट चुका है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि जो स्टॉक इतना ज़्यादा टूट गया है, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? तो आपको समझना होगा कि टूटा क्यों, क्योंकि स्प्लिट और स्प्लिट प्लस बोनस इसने 1:10 के रेशियो में दिया था। 1:10 एक छोटी सी कंपनी और जो नए नए शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, इतनी बड़ी मात्रा में स्प्लिट और बोनस दोनों दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ पे फिर से नए बायर एक्टिव हो रहे हैं, और जब नए बायर एक्टिव होंगे तब इस स्टॉक को लेके प्राइस को भगा के ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अभी हम लोग बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आए हैं। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जो एलेस्टोन टेक्सटाइल शेयर्स है, इसमें कहीं भी ये स्टॉक आपको निगेटिव इसमें कुछ नहीं देखेगा। ज़्यादातर तो देखेंगे जो छोटी कंपनियाँ होती है, वो जब बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर पाइएगा तो पाइएगा या तो आईआरपी की श्रेणी में चल रही होंगी, इंडियन रेगुलेशन प्रोसेस, या फिर वो किसी एएसएम या फिर जीएसएम की कैटेगरी में होती है। लेकिन ना तो ये कंपनी जीएसएम ना ही एएसएम की कैटेगरी में, यानी कि जितने भी तनाव देने वाली चीज़ें हैं उससे ये कंपनी बाहर है। इसमें हाल फिलहाल के दिनों में कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है एलेस्टोन टेक्सटाइल्स में, यदि आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी करते हैं तब भी। अब देखिए, यहाँ पर एलेस्टोन टेक्सटाइल्स का सबसे पहले हम लोग चार्ट देखें, और चार्ट के माध्यम से पता करते हैं कि शेयर प्राइस में अभी क्या कह रहा है। शेयर प्राइस अभी देखिए, मैंने एक साल का यहाँ इस कंपनी का ग्राफ ओपन किया, और एक साल के ग्राफ पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस कंपनी का यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था तकरीबन 25 पैसे के आसपास। 25 पैसे से उठ के कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ऊपर गया था। ये तो स्प्लिट में बोनस मिलने के बाद प्राइस आपको कम दिखा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर डबल टॉप बना, आपको पता है डबल टॉप बनने के बाद प्राइस नीचे आता है। तो जो लोग ये चार्ट को समझते होंगे वो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। जो लोग प्रॉफिट नहीं बुक किए वो अभी फंसे रह गए और यहाँ तक भी नहीं निकले। जो लोग यहाँ पर भी नहीं निकले उनके लिए क्या करना है, देखिए अभी पहले से जो लोग इसमें बाई किए हो तो उनके लिए आपको पता है कि 1 रुपये से लेकर 50 पैसे तक का आसपास का जो एरिया है, जिसमें अभी ये स्टॉक पिछले कई दिनों से ट्रेवल कर रहा है, इसमें से बाहर निकलने दीजिए। या तो ये ऊपर निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा। मेरा अनुमान है कि ऊपर ही निकलेगा कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और कंपनी में नए बायर और सेलर दोनों आ रहे हैं। तो जब नए बायर और सेलर दोनों आते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आती है और ये प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा। जैसे ही ये प्राइस ऊपर निकलेगा, आप यहाँ पर तुरंत इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, और एक ही गो में जहाँ तक प्राइस जाएगा वहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको फंडामेंटल के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल में देखिए, मार्केट के कंपनी के तकरीबन 85 करोड़ के आसपास, यानी कि 100 करोड़ इस कंपनी का मार्केट के पहुँचने ही वाला है। और जिस पेन स्टॉक का मार्केट कैप 100 करोड़ के आसपास होता है, उसे रिस्क फ्री कैटेगरी में गिना जाता है। यानी कि जैसे ही कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ होगा, कंपनी तनाव से बाहर हो जाएगी। दूसरी बात, कंपनी का यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है माइनस में नहीं, बुक वैल्यू पॉजिटिव में। हालांकि शेयर प्राइस इससे कम जरूर है, लेकिन शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे बढ़ेगा तो इसका बुक वैल्यू से शेयर प्राइस ऊपर हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर देखेंगे माइनस में है, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन जब हर एक चीज़ कंपनी में सही हो रहा है, तो आने वाले समय में ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी। क्वार्टरली रिजल्ट यदि मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप पाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से देखिए, जो सेल्स है लगातार आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगा। और जब लगातार सेल्स बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद का जो क्वार्टर 4 का नंबर आएगा उसमें भी इस कंपनी का सेल्स बढ़ती हुई आपको दिखेगा। और जब सेल्स बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ेगा। देखिए पिछले
कितने तेज़ी के साथ इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर और इसके बाद आने वाले जितने भी क्वार्टर के रिजल्ट है सामान्यतः अच्छे ही आएंगे। जब हर एक चीज़ अच्छा आएगा तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल से आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, टेक्सटाइल सेक्टर तो भारत में बूम करेगा ही करेगा, आपको ये भी पता है, तो इसलिए इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क लेने की कैपेसिटी है आप में, तो थोड़ा सा रिस्क इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल में ले सकते हैं, लेकिन जो भी कीजिएगा आप अपने रिसर्च और एनालिसिस की बदौलत कीजिएगा। इस कंपनी से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करके एक रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेमेंट स्टॉक में अपना फ्री डिमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।